गोल्डन टेम्पल काफ़ी बड़ा इलाका है, इसलिए जो मेन वाला एरिया मुझे अब तक तो मिला नहीं है। जहाँ स्टे करते हैं फ्री में उसको सराहा कहते हैं, और वहीं लंगर है, वहीं से पूछे। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था इधर भाई साहब से, उन्होंने बताया कि अगर सराहा जाना है तो मेरे साथ आओ। वो वॉशरूम गए हैं, गोल्डन पे आते हैं मैं उसके साथ जाता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे गेट से एंट्री कर लिया था। मैं एंट्री जो करा था गलत गेट से कर लिया था। मेन गेट है, आई थिंक पता नहीं कौन सा मेन गेट है, ये वाला है कि सराहा वाला है, लेकिन इस गेट से एंट्री नहीं करना था। गूगल मैप में देख रहा हूँ तो गोल्डन टेम्पल 900 मीटर अब भी दूर है। छोटा साइज है ना ये, बड़ा नहीं होगा, इतने में सेल्फी लेनी पड़ेगी। कितना रुपये दे रहे हो ये झोला? 100 रुपये। 100 रुपये सराहा जा रहे हैं भाई, जहाँ फ्री स्टे होगा पूरा रास्ता घूम के। बहुत बड़ा एरिया है गोल्डन टेम्पल का, बहुत उधर से हमने घूमा। 250 मीटर चल चुके हैं, चलते हैं अंदर। हम लोग आ चुके हैं सराहा में, जो पीछे तरफ है श्री गुरु रामदास जी निवास, यही है सराहा। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, देखते हैं अंदर क्या सीन है। बिहार मेरी पीएचडी हो गई। कहाँ से? जिले नाल हमारे बिहार। हाँ भाई, भाई हमारे यहाँ। क्या रुकने का मतलब क्या है? कहाँ से? कमरा लेना अपने। हाँ रहना है। कमरा आधार कार्ड है आपका? हाँ सब है। पर दिखा दो, दे देगा। अकेले हो? हाँ। अकेले को नहीं मिलेगा? कोई नहीं, कहाँ जहाँ भी मिलेगा वहीं ऊपर सोना पड़ेगा। रात को जाते हैं हम सोते हैं। अरे कहीं भी सो लेंगे। कहाँ ऊपर सोना पड़ेगा? ऊपर नहीं मिलेगा, नीचे सोना गड्ढे मिलेंगे। अच्छा, गड्ढे देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप बहुत दूर से? आपने पटना साइड गुरुद्वारे देखा? नहीं, मैं तो यहीं आया अमृतसर। मैं सोचा कि भाई घूम लेता हूँ, पूरा इंडिया घूम रहे हैं, अमृतसर होते हुए चले। आप पटना से हो गया? मैं इधर पूरा हरियाणा होते हुए आया हूँ, पूरा यूपी होते हुए आया हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? अब तो यहाँ के बाद कल चले जाएंगे कश्मीर। कश्मीर जाएंगे, फिर पूरा इंडिया घूम रहे हो? नहीं नहीं, पैदल घूम रहा हूँ। कश्मीर पैदल जाऊँगा? नहीं, मतलब लिफ्ट लेके जाऊँगा, लेकिन पैदल ही जाऊँगा, अकेला हूँ। 5 रुपये वाली पेप्सी मिल रही है जो देखा था। कल पहुंचा था मैं अमृतसर। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में रुका एक दिन। ठीक है, वहाँ भी काफ़ी, मतलब लोग तो बहुत सारे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ, लगभग लाखों लोग थे एट ए टाइम पे। और उसके एक दिन बाद तो भीड़ मानो और ही बढ़ता गया, क्योंकि वीकडेज आ ही गए थे, मतलब तो फ्राइडे नाइट हो गया था। तो मैंने एक दिन वहाँ रुका, वहाँ भी इतने लोग होने के बावजूद भी बिल्कुल काफ़ी शांत सा पीसफुल माहौल। सबसे पहले गेट से एंट्री करा हमने। गेट से एंट्री करने के बाद कुछ लोगों से बात करा वहाँ पे। बात करने के बाद पता चला कि एक रास्ता ऐसे होके जाता है, जो मैं गुरुद्वारे के बाहर ही था, मुझे लग रहा यही गुरुद्वारा है, लेकिन मेन जगह पहुँचा नहीं था मैं गोल्डन टेम्पल एक्चुअल में। तो मैं थोड़ा घूम के गया, वहाँ काफ़ी सही माहौल है, वहाँ बैगेज वगैरह रख दिया। बैग वग सबमिट करने के बाद, काफ़ी बड़ा प्लेस है ना, तो मैं वो करने लगा, परेशान सा होने लगा किधर जाऊँ क्या करूँ। फिर एक निवास मिला मुझे, वहाँ पे मैंने पहले बैगेज तो सबमिट कर दिया, सामान काटने से नहीं। उसके बाद मैं घूमने लगा, चारों तरफ राउंड मारने लगा गोल्डन टेम्पल के अंदर वाले एरिया पे, जहाँ पानी जमा हुआ है ऐसे, उसके चारों तरफ, उससे उस बिल्डिंग जो सराउंडेड किया हुआ है उसके बाहर, और जो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे रहने का दो सिस्टम है। एक तो आप पेड रह सकते हो, और या एक फ्री में रह सकते हो। तो पेड वाले पे आई थिंक ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, और पे वाले में ऑनलाइन बुक करना पड़ता है,
पीछे एक्चुअली बीएसएफ वाली मैम थी, तो मैंने उसको सलाम करा, जय हिंद बोला था। तो ओके, तो ऑनलाइन पे करना पड़ता है अगर ऐसा कुछ, अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो एसी वाला रूम मिलेगा और वहाँ पे करना पड़ता है। लेकिन मैं तो वहाँ स्टे जो करा था फ्री में करा था, तो मैं सिंगल था तो मुझे रूम अलॉट नहीं हुआ था। लेकिन अगर दो तीन लोग या फिर उससे ज़्यादा या फिर फैमिली में हो तो आपको रूम की चाबी दे दी जाएगी गुरुद्वारे में, फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। तो रहने के बाद मैंने लंगर खाया। लंगर खाने के बाद सबसे पहले मैं तो जो निवास था रामदास करके कुछ ऐसा निवास था, वहाँ पहले नहाया, नहाने धोने का कार्यक्रम पूरा हो गया। वहाँ नहाने के बाद पहले उसके बाद सोने के लिए अगर आप बैचलर हो तो बरामदे में एक एक वो दे दिया जाएगा, मोटा सा गद्दा दे दिया जाएगा, उसमें आप सो। तो मैं वहीं पे, मैं क्या मतलब हजारों आदमी थे तो मैं भी उधर लेट गया, काफ़ी मस्त नींद आई। सुबह उठ के मैं क्या किया, बैग तो वहीं सबमिट करा हुआ था मेरा, ये जो बैग, जो छोटा सा बैग साथ में लेके घूमता हूँ, ये लेके मैं घूम रहा था। उसके बाद फिर वापस गया और गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ जो वाटर है, होली वाटर, जिसको अमृतसर कहते हैं, अमृत, कल भाई ने बताया था अमृत मतलब होता है जो 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 पी के आप स्पिरिचुअल और फिजिकल फिट हो जाओ, और सर मतलब वाटर, अमृतसर इस सिटी का नाम पड़ा उसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, तालाब की वजह से, जो भी कहूँ उसी पर्टिकुलर की वजह से। तो वहाँ पे अमृतसर में मैंने नहा लिया। अमृतसर में नहाने होने के बाद सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे वहाँ फेस करना पड़ा वो चार्जिंग का था। चार्जिंग बोर्ड पूरे गोल्डन टेम्पल में कहीं नहीं मुझे मिला। मैं पूरा घूमा, दो बार तीन बार घूमा, लेकिन चार्ज की इतनी ज़रूरत थी ना, मेरा पावर बैंक डेड हो चुका था पहले ही, फ़ोन का बैटरी भी डेड हो रहा था, 9% बचा हुआ था। उसके बाद मैं ढूंढा कहीं नहीं मिला मुझे, 3 से 4 घंटा खोजा था। फिर सुबह मैंने हॉस्टल में कॉल किया, एक हॉस्टल था, 150 चार्जेस थे इसके, मैंने कॉल किया, मैंने पूछा कि ऑफलाइन बुकिंग कर सकते हैं क्या जाके, मतलब हाँ आओ ऑफलाइन बुकिंग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसने बोला कि 11 बजे के बाद आना होगा, क्योंकि 11 बजे से पहले अगर आओगे आप तो एक दिन पहले का एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा। मैं सोचा कि चलो ठीक है। उसके बाद वहाँ बैठा रहा गुरुद्वारे पे 4-5 घंटे, 6 बजे से लेके 7, 8, 9, 10, 11 बजे, जैसे ही ग्यारह बजे वहाँ से निकल गया। छोटा ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, 600-700 मीटर था, नट्स बैकपैकर करके था कुछ ऐसा, तो वहाँ जाके स्टे करा। मतलब उतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन फिर भी कूल था, काफ़ी हॉस्टल की तरह था, लोग अच्छे थे। अभी हम करतारपुर बॉर्डर का जो करतारपुर कॉरिडोर आ चुके हैं, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ से कम 200-300 मीटर है, इतना ही है, बिल्कुल काफ़ी क्लोज है। यहाँ डेरा बाबा नानक पे आए थे, वहाँ स्टे करा हमने, वहाँ से इधर पैदल घूमने के लिए निकल गए। जो फ्लैग है पहले वाला इंडिया का है और ये दूसरे वाला पाकिस्तान का। बॉर्डर के काफी क्लोज आ गए, मेरे प्यारे भारत का फ्लैग दिख रहा है। ये रोड बिल्कुल ऑसम है यार, बहुत ब्यूटीफुल है। अभी मैं इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में आया हूँ, जो कि करतारपुर वाला कॉरिडोर है उसी में, हालांकि ये तो अभी बंद है, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से। तो वो फ्लैग और उधर के लोग जो मिलिट्री है वो दिख जाते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं वैसे। और इधर मेरे जो राइट साइड में है ये इंडिया वाला कॉरिडोर है और वो नेशनल फ्लैग। काफ़ी क्लीन रास्ता है। मैंने पूछा था आर्मी के गार्ड से कि फोटो वीडियो बना लूँ, फ़ोटो खींच लूँ, तो कह रहा हाँ बना लो। और वहाँ जो था मेन जहाँ फेंसिंग करी हुई थी वहाँ से भी लोग फोटो वोटो ले रहे थे, इसलिए वो मैं जब जा रहा था तब वीडियोग्राफी करा नहीं था। मैं सोचा कि गलत होगा सेंसिटिव एरिया में वीडियो करना, लेकिन लोग कर रहे हैं, अलाउड है ऑलरेडी, वैसे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे। सही है यार, अच्छा ही है, बंद पड़ा हुआ है, वरना एटलीस्ट मैं तो नहीं जा पाता। यहाँ का कुछ सीन ऐसा है ना कि वीज़ा तो लगता नहीं है जाने के लिए, लेकिन पासपोर्ट ज़रूरी है। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, वीज़ा तो खैर, और 15 दिन पहले परमिशन भी लेना पड़ता है, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जितना एक्सपीरियंस मैंने आज करा उतना ही एक्सपीरियंस मैं अगर खुला हुआ होता तभी उतना ही कर पाता, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं पाता, क्योंकि पासपोर्ट बनाना पड़ता है। लेकिन पासपोर्ट मैंने अप्लाई अभी तक करा नहीं है। पाकिस्तान का फ्लैग दिख गया, उधर का वो लोकेलिटी दिख गया, और दो तीन शायद आर्मी वाले थे कि सिटीजन्स थे पता नहीं, लेकिन इधर से दो तीन बंदे ने वेव किया तो उधर से भी वेव आया,
मतलब सही था, काफ़ी नॉर्मल सा था। मैंने सोचा कि मतलब बॉर्डर होगा थोड़ा, एक तो रेड क्लिफ बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, बहुत ही सख्त होगा, ऐसा कुछ सीन था नहीं, सब नॉर्मल था बिल्कुल, मतलब चिल आउट माहौल है। मतलब फोटोग्राफी के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने मिलिट्री पर्सनल से बात भी करी, कहा कि हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है यार, काफ़ी चिल आउट माहौल है, मतलब मौज करो और मज़े में रहो, ये वाला सीन है इधर। अभी भी मैंने वही करा, जो मेरा बड़ा वाला बैगेज है डेरा बाबा नानक में, वहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया सेफ्टी के लिए, और ज़्यादा मुझे कैरी भी नहीं करना पड़े, और मैं ये साइट सीन के लिए आ गया हूँ।